दोस्तों, आज का जो एरा है वो डेटा का एरा है, जहाँ हर कोई संस्था, बैंक, सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सभी का डेटा जो है डिजिटली स्टोर है। और अगर किसी को, किसी संस्था को, किसी ऑफिसेस को या किसी नेशन को नुकसान पहुंचाना है तो उसके डेटा पे वार करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इतनी दुनिया में जो साइबर वर्ल्ड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अलग अलग तरीके के हैकर्स काम करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। इनको क्रिमिनल या डार्क साइड मेलिशियस हैकर्स भी बोला जाता है, या सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनकी फ़ायदा उठाते हैं, उनकी कमियों का फ़ायदा उठाते हैं और अपने पर्सनल गेन के लिए या डाटा चुराने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए डाटा को हैक करते हैं। इनको ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है, या अपने थ्रिल के लिए, या फिर इनकी जो नीयत होती है वो खराब नीयत होती है और अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये एथिकल हैकर्स भी बोला जाता है इनको। ये क्या करते हैं? जैसा काम ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, ये भी सेम काम करते हैं, सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठा के सिस्टम को हैक करते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी जो इंटेंशन होती है वो ख़राब नहीं होती है, या उन कमियों को उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अपने यहाँ काम पे रहते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी ये खामी है, इसको दुरुस्त कीजिए और अपनी वेबसाइट को और सिक्योर कीजिए। तो ये काम होता है वाइट हैट हैकर्स का। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्क्रिप्ट किडीज की। यह क्या होते हैं? इनको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, या कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं कर सकते हैकिंग करने के लिए। ये जो प्री डेवलप्ड स्क्रिप्ट होती हैं, जो आपको इंटरनेट से या कहीं से भी पहले मिल जाती हैं, उनको रन करते हैं और उसकी मदद से सिस्टम को हैक करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, इनको ये तो थ्रिल चाहिए होता है, या इनकी जो नीयत होती है वो बुरी होती है और अपने फाइनेंशियल गेन के लिए भी ये ऐसा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थ्रिल सीकर की। थ्रिल सीकर क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे नए नए बाइक टीनेजर ने सीखी है, अब वो बाइक सीखी है तो बाइक को तेज चलाएगा, किसके लिए? अपने थ्रिल के लिए, और ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके, देखो भाई मैं कितनी तेज़ बाइक चलाता हूँ, और दोस्त उसको एडमायर कर सकें। थ्रिल सीकर सेम काम हैकिंग करता है, किस लिए करता है? कि उसको थ्रिल मज़ा आता है और वो अपने एडमायरर जो फेलो हैकर्स होते हैं उनसे एडमायरेशन चाहिए होती है उसको। ये काम होता है थ्रिल सीकर का। इसके बाद आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट दोस्तों क्या होते हैं? जैसे कि एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट क्या करते हैं? जिसको भी उनको अपना एजेंडा होता है, जिसको भी उनको दिखाना है, उस गवर्नमेंट के दफ्तर के आगे बैठ जाएंगे, अपने लोगों के साथ, अपने एजेंडा के साथ, अपने स्लोगन्स के साथ बैठ जाते हैं। हैक्टिविस्ट वही काम करते हैं ये साइबर वर्ल्ड में करते हैं, जिस भी गवर्नमेंट को इनको दिखाना है, इंस्टीट्यूशन को दिखाना है, उसकी वेबसाइट हैक करेंगे, उसके वेब पेज, होम पेज पर अपना एजेंडा चला देंगे, अपने स्लोगन चला देंगे। इनको बोला जाता है एक्टिविस्ट। इसके बाद आते हैं इनसाइडर हैकर। इनसाइडर हैकर क्या होते हैं? या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके अंदर के ही आदमी एम्प्लॉई या कंसल्टेंट हो सकते हैं। यह उससे नाराज एम्प्लॉई भी हो सकता है, जो कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसको तोड़ता है, फ़ायदा उठाता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको नॉलेज मिलती है उसका फ़ायदा उठाता है और हैक करके या तो रिवेंज लेता है। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में कुछ चल रहा है, ख़राब चीज़ें चल रही हैं, उसको सरफेस करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि इस कंपनी में ख़राब चल रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, इसलिए भी हैक करते हैं, और कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए भी हैक करते हैं। इनको इनसाइडर हैकर कहा जाता है। फिर दोस्तों आता है ग्रे हैट हैकर। आपने देखा ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर, इन दोनों के बीच का काम ग्रे हैट हैकर करता है। कैसे करता है? यह इलीगली, जैसे ब्लैक हैट हैकर जाता है, इलीगली बिना इंफॉर्मेशन के कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में जाएगा, हैक करेगा, लेकिन उसके बाद का जो काम होता है ये वाइट हैकर की तरह करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा आपके वेबसाइट में एक खामी है, इसको दुरुस्त कीजिए। तो इसलिए इसको ग्रे हैट हैकर बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, और बाद में ये जाके वाइट हैट हैकर भी बनते हैं। इनकी इंटेंशन मेलिशियस नहीं होती है। फिर आते हैं साइबर टेररिस्ट। जैसे कि टेररिस्ट होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, नुकसान पहुँचाते हैं, चाओस क्रिएट करते हैं, फियर पहुँचाते हैं, अपने लोगों के अंदर डर भरते हैं, ऐसा ही काम ये साइबर वर्ल्ड में करते हैं। जैसे कि किसी बैंक की वेबसाइट हैक कर ली तो बैंक के जो ग्राहक होंगे उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, चाओस क्रिएट हो जाएगा। किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की, डिफेंस की साइट हैक कर दी तो बिल्कुल चाओस, फियर, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, ऐसा काम ये साइबर टेररिस्ट करते हैं।
फिर आते हैं साइबर वॉरियर्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। साइबर टेररिस्ट की तरह ठीक उल्टा काम ये स्टेट के लिए करते हैं, संस्था के लिए करते हैं, और एनिमीज की वेबसाइट में जाके उसको हैक करते हैं, फियर पहुंचाते हैं, टेरर पहुंचाते हैं और चाओस क्रिएट करते हैं दुश्मन के वेबसाइट में जाकर। इसके बाद आते हैं क्रैकर्स हैकर्स। क्रैकर हैकर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, इनको हायर किया जाता है कॉरपोरेट के द्वारा। अपने दूसरे कॉम्पिटिटर कॉरपोरेट की वेबसाइट में जाएंगे, उसको डंपस्टर डाइविंग करेंगे। डंपस्टर डाइविंग क्या होती है कि उसका जो ट्रैश होता है उस ट्रैश में ढूंढेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, और उसका फ़ायदा उठाते हैं फाइनेंशियल गेन के लिए। क्रैकर हैकर्स हैकिंग करते हैं। इसके बाद स्पाई हैकर्स आते हैं। स्पाई हैकर्स, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये स्पाइंग जासूसी करते हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। इनका इरादा बुरा होता है, बहुत ही इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, ट्रेड सीक्रेट चुरा के फ़ायदा उठाते हैं स्पाई हैकर्स। इसके बाद आते हैं स्पैमर्स या एडवेयर स्प्रेडर्स। यह क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं, आपके सिस्टम पे हैक कर लेंगे, और जिस कंपनी ने इनको हायर किया रहता है, जिनसे इसको पैसे मिलते हैं, उसको उसके ऐड आपकी वेबसाइट पे चला देंगे, और इस तरीके से ये काम करते हैं, और ये भी फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के हैकर्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग वजहों से काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।